नमस्ते, जय श्री राम, जय माता दी। आज इस वक्त हम हिंगलाज माता के दर्शन के लिए, यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो देखें कितनी ज़्यादा यहाँ पर तादाद में यात्री आ रहे हैं। नमस्ते, जय श्री राम, जय माता दी। आज इस वक्त हम हिंगलाज माता के दर्शन के लिए, यात्रा के लिए जा रहे हैं। और आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी रेडी हो चुकी है। बस हिंगलाज माता पर फिर मिलेंगे और रास्ता भी दिखाएंगे, हिंगलाज माता की यात्रा कैसे होती है वो भी दिखाएंगे। तो हमारे साथ कनेक्ट रहे। और ये देखें, ये गाड़ी है, अब इसमें हम जाएंगे। और ये हमारे अंकल हैं। अंकल जी क्या कहेंगे, हिंगलाज मैया पर जा रहे हैं? माता हिंगलाज की। कि हम अभी रोड पर ही हैं और ये चंद्रगुप्त की यात्रा करेंगे। फिर उसके बाद ये यात्री जितने भी हैं बसेस हमारी, ये जाएंगी माँ नानी हिंगलाज मैया के दरबार में। ये देखें कितनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर यात्री आए हुए हैं। तो ये देखें, अभी बीच रास्ते पर बैठे हुए हैं। ऐसा समझो कि एक तकरीबन इस वक्त जो है वो 100 से भी ज़्यादा यहाँ पर बसें हैं। ये देखें कितनी ज़्यादा यहाँ पर तादाद में भीड़ है। ये देखें ये यात्री। तो भाइयों, इस वक्त देख सकते हैं कि हम कराची के नज़दीकी हैं। ये देखें सुपर हाईवे है और यहाँ पर अभी पेट्रोल फिल करवा रहे हैं और पेट्रोल फिल करवाने के बाद फिर जाएंगे। ये देखें हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, हिंगलाज मैया की दरबार में माता जी के दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं। तो ये पूरी डिग्गी भी फुल है, अंदर गाड़ी भी फुल है। ये देखें ये हमारी गाड़ी है, इसको भी हमने फुल करवा दिया है। ये देखें, और ये हमारे लीला भाई। लीला भाई क्या कहेंगे? बस चल रहे हैं माँ हिंगलाज पे, और बीच में चंद्रपुर में जो है वो भी दिलीप भाई को शूटिंग करनी है। उसके बाद जाएंगे कुंड मलिर के बाद जो माँ हिंगलाज तीर्थस्थान। मैया के दर्शन करते वक्त क्या आपको महसूस होता है? बस दिल को इतना सुकून मिलता है, यकीन कर लो, कभी जो है ना घर के अंदर परिवार के साथ भी इतना सुकून नहीं मिलता जितना मैया के दरबार में हमें सुकून। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। मैया जी के दर्शन करने के लिए हम यहाँ पर आए। ये देखिए ये हमारे अंकल हैं, ईश्वरदास। अंकल क्या कहेंगे, माता जी के नारे तो लगाएं। जय माता की। बस ऐसे ही माता जी के नारे लगाते लगाते हम जाएंगे हिंगलाज मैया के दर्शन करने। और ये देख सकते हैं कि हम इस वक्त कराची के नेशनल हाईवे पर मौजूद हैं और यहाँ पर पेट्रोल फिलिंग हो रही है। बस हमारे साथ ब्लॉग के साथ चलते चलते जुड़े रहें ताकि हम आपको बताएंगे कि हम पाकिस्तान में हिंगलाज मैया के दर्शन किस तरह करते हैं। सो हमारे साथ कनेक्ट रहें, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें यहाँ पर भीड़ कितनी है, लोगों का समुंदर है। गाड़ियाँ देखें 100 के करीब यहाँ पर गाड़ियाँ हैं। जो यात्री है वो दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो उमरकोट है, थरपारकर है, जो सिंध के मुख्तलिफ शहर हैं, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहर हैं, उनकी भी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। जिस तरह ये उमरकोट की गाड़ी है तो यहाँ पर बलूचिस्तान और पंजाब की भी गाड़ियाँ हैं। मतलब दूर दराज इलाकों से आ रहे लोग, ऐसा समझें कि 5 लाख के करीब लोग होंगे। डांसे हो रही है, जय जयकार हो रही है माता जी के। बस यही तो है माता जी के नज़ारे। तो जनाब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ है। और हिंगलाज के दर्शन के लिए सिर्फ चंद ही अब घंटे बाकी रह गए हैं। मुसाफिर है, मंजिल है, माता जी के दरबार में जाएंगे। आप मेरे पीछे देखें कितनी ज्यादा रश है। ये लियारी के मनाजिर है, लियारी में इस वक्त बहुत ज्यादा भीड़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ है, लोग कितने आए हुए यात्री है, बड़े ही धूमधाम से अपने अपना जो त्यौहार है, मेला 3 दिन का लगाया गया वो मना रहे हैं। अभी भी आए हुए हैं, हम भी यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। और माता जी के दरबार में जय माता की। कितना रश है, पहले देखा ना कभी? बहुत मेले पे आया हूँ, लेकिन इतना रश नहीं देखा जितना अभी रश हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ज्यादा यहाँ पर रश है। और ये देखें यहाँ पर यात्री भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। अंकल चलें, ये हमारे साथ अंकल आए हुए हैं, गाड़ी पार्क कर ली है। और देखें कितनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है, लोगों का हजूम मूवमेंट आया है यहाँ पर। तो देखें यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है।
तो यहाँ पर देखें अभी हम माता जी के मंदिर में जा रहे हैं। ये देखें इतनी ज़्यादा रश है कि लोग पांव रखने की भी जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है। जो यात्री है वो दूर दराज इलाकों से पाकिस्तान से आए हुए हैं, सुबह सिंध बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा। ये देखें कितनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है, तो इतनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है, देखें लोगों का हजूम बड़ा है। ये देखें भाई, ये था लियारी का मंदिर और यहाँ पर आपको मैंने विजिट करवा दिया है। अब मैं हिंगलाज माता के नज़दीकी चंद्रगुप्त की यात्रा है वो भी करवाऊंगा। हमारे साथ जुड़े रहें इस वीडियो में, और वीडियो के माध्यम से मैं आपको तमाम जितने भी यात्री आए हुए हैं उनकी तादाद भी बताऊंगा, और यात्रियों से भी बात करेंगे उनका यहाँ पर आने से उनको कैसे कैसा अच्छा लगता है या नहीं, उनकी यात्रा इतनी क्यों जो है वो मायने रखती है, अहम क्यों है, तो इम्पोर्टेंस भी हम मालूम करेंगे। ये देखिए यहाँ पर यात्री जो है वो बड़े ही कसीर तादाद में यहाँ पर जो है वो हजूम उमड़ आया है। ये देखें माता का मंदिर क्यों प्राचीन माना जाता है, पाकिस्तान में यहाँ पर यात्रा कैसे होती है, तो ये है बना के देखे रश देखें। तो बस हमारे साथ वीडियो के साथ कनेक्ट रहे, जुड़े रहे, हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर हम त्यौहार किस तरह मना रहे हैं, और जो हिंगलाज का मेला है वो 3 दिन का मनाया जाएगा। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर रश है, और मेरे पीछे देख सकते हैं आप, इसलिए मैंने चंद्रकोप जाना भी अब मुनासिब नहीं समझा क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है, दलदल ज़मीन है, तो ज़मीन में गाड़ियाँ जो है वो फंस जा रही हैं, इसलिए मैंने भी अब यही सोचा है कि अब वापसी चलते हैं और हमारी गाड़ी पीछे खड़ी हुई है। ये देखें तो ये देखिए हम किस तरह मुश्किलात से इस यात्रा पर जाते हैं, और ये है हमारी मैया हिंगलाज माता हमसे इम्तिहान लेती है। पहले तो जय माता दी सबको, हमारे जितने भी यूट्यूबर टीम है, जो यात्री है हमारी ये वीडियो देख रहे हैं हिंगलाज मैया के दर्शन करने के लिए आए हुए हमारे इस वीडियो के माध्यम से, उनको जय माता दी। और यहाँ पर हिंगलाज माता के अगोर नदी जिसमें विश्राम करते हैं, और यहाँ पर गंगा जी जिसको की जाती है, और ये है नदी, ये देख रहे हैं आप मेरे वीडियो में, ये है नदी, और यहाँ पर हम करते हैं। ये बलोचिस्तान के लसबेला डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है हिंगलाज माता का मंदिर, सबसे पुराना प्राचीन मंदिर है, शक्तिपीठों में से एक मंदिर है। तो ये नदी, अब इसमें पानी तो नहीं है मेरे ख्याल से, देख रहे हैं आगे जाके, ये देखें यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा पानी है। ये देखें जो यात्री आएंगे उनके लिए गंगा जी बहुत अच्छे तरीके से होगी, ये माता जी के दर्शन है। ये देखें लोग नहा रहे हैं इसमें, गंगा जी भी कर रहे हैं। ये देखें ये है नदी, उन्होंने बताया कि यहाँ पर ये जो ऊपर बना हुआ है ना पुल, ये रोड, ये डेवलपमेंट काम नहीं हुआ करता था, तो इससे बहुत ज़्यादा तकालीफ का सामना करना पड़ता था। ये यात्री आ रहे हैं इनको,
अभी तो इजीली यहाँ से जाते हैं, पहाड़ हैं झुके हुए, इनसे थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन माता जी के जय जयकार के नारे बुलंद करते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ पहुँचते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ ये यात्री आए हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। और ये हमारे साथ ड्राइवर है और आसन भाई हमारे हैं, और ये माली है, और ये गंगा जी करने के लिए यहाँ पर करेंगे। उसके बाद हिंगलाज माता पर 4 से 5 प्राचीन मंदिर हैं, उनकी भी यात्रा करेंगे, जिसमें गणेश मंदिर है, माता सती का है, काली माता का है, 84 यूम है जिसको धाम भी कहा जाता है, और उसके बाद फिर माता हिंगलाज के दर्शन किए जाएंगे। तो मतलब ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है, और इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। यहाँ पर 3 दिन का मेला किस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारी खुद की बरादरी है खत्री बरादरी, वो 3 दिन का यहाँ पर भंडारा करती है, जो भी दूर दराज इलाकों से आती है यात्री उनको खाना तकसीम करती है, दोपहर का नाश्ता भी होता है, और उसके साथ साथ नाइट में भी खाना दिया जाता है। तो हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहें, और मैं मजीद आपको बताता रहूँगा। तो फिर बस यही है, धन्यवाद, देखते रहे वीडियो। अगर वीडियो लाइक करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करें और शेयर भी करें अपनी फैमिली के हमरा, क्योंकि ये माता जी के दर्शन जो हम से दूर बैठे हुए हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से यकीनन कर पाएंगे। और बस यही है, आखिर में दुआ करता हूँ मैं आपको कि मैया जी के इस आस्थान पर जो भी आ रहे हैं, मेहरबानी करके यहाँ पर गंदगी मत फैलाएं। बस ये थोड़ा सा एक मैसेज है अवेयरनेस का, ये काइंडली शेयर कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में बताना दिल से, ठीक है ना, माता हिंगलाज रानी के दर्शन कौन करना चाहता है, मैया के तीर्थ स्थान पर कौन आना चाहता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है, लोग कितने ज़्यादा आए हुए हैं यहाँ पर बात करने में, और पीछे पीछे आप मेरे पहाड़ भी देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पर बड़े ही अच्छे तरीके से फेस्टिवल मनाया जा रहा है। ये देखिए रश कितना है अभी इस वक्त, 80 बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर। अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर देखे भंडारा भी चल रहा है, लोग देखें ऊपर ऊपर पहाड़ों में भी बैठे हुए हैं। तो देखें यहाँ पर चुनरी रखी गई है, माता जी का चढ़ावा होगा, और यहाँ पर जो यात्री आते हैं उनके लिए सिंदूर का टीका लगाया जाता है। और ये देखें ये भक्त भी बैठे हुए हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, वो ज्योति है माता जी की वो ले रहे हैं। यहाँ पर प्रसाद भी बांटा जा रहा है, प्रसाद भी रखा जा रहा है, चढ़ावा हो रहा है। और ये देखें ये है गुफा में माता काली का रूप किस तरह है, और माता काली के दर्शन करें मेरी इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों क्यों ना शेयर करें इस वीडियो को, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, यकीनन माता जी सबकी कृपा बना ही रखेगी। तो बस यही है, ये वीडियो देखते रहे हमारे साथ कनेक्ट। यहाँ पर देखें रश और इस हसीन नज़ारे को देखकर दिल को सुकून पड़ जाता है, दिल में ठंडक हो जाती है, यहाँ की तो दुनिया ही अलग है, इसीलिए माता की जय जयकार। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में ज़िला लसबेला है, यहाँ पर माता जी का सबसे प्राचीन मंदिर है, जिसको हिंगलाज मैया का मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर देखें माता जी की ये यहाँ पर प्रकट हुई थी, और ये देखें किस तरह यहाँ पर डोनेशन बॉक्स है, और यहाँ पर जितने भी आते हैं लोग रखते हैं पाँव हैं माता जी के दर्शन करें, किस तरह ये यहाँ पर प्रकट हुई थी। जय माता दी, जय माता दी। तो ये है माता जी के नज़ारे, यहाँ पर चुनरी रखते हैं, चढ़ावा होता है नारियल का, ये है गुफा, और गुफा में यहाँ पर माता जी आई थी और हमें यहाँ पर दर्शन दिए, हमने भी आज दर्शन कर लिए हैं। बस ये है कि ये हमारी तीर्थ यात्रा है। देखिए ये है हमारे हिंगलाज मैया की यात्रा, इस तरह हम हिंगलाज मैया की यात्रा करते हैं। ये देखे किस तरह मटके लेके जा रहे हैं, तो ये देखे ये किस तरह माता जी की चुनरी सर पर उठाकर यहाँ पर चढ़ावा होता है, मूर्तियाँ रखी जाती हैं, यहाँ पर प्रसाद बांटा जाता है। ये थी यात्रा, तीर्थ यात्रा, वीडियो लाजमी शेयर करें।